नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर साल 2024 तक है, तो नवरात्रि के दौरान बुरी नज़र उतारने के लिए या फिर जितने भी ग्रह दोष हैं उसे शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो समय है वो बड़ा ही शुभ होता है। बहुत सारे पूजा करने के रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। देखिए, हम आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं ढकेल रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, अच्छा ही होगा यदि आप आस्था के साथ करें और विश्वास के साथ करें तो। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट शिवागो.com या ओमजा.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। देखिए, यदि आप को बुरी नज़र उतारना है तो बड़ा ही आसान उपाय है। नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनके चरणों में आप लाल चंदन चढ़ाइए। उनको चढ़ा हुआ चंदन अपने मस्तिष्क पर आप जरूर लगाएं, तो ऐसा करने से लोगों की जो बुरी नज़र है वो उतरेगी। आप अपने बच्चे को भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो नज़र दोष को मतलब अवॉइड करने के लिए आप अपने घर के बाहर नज़र बट्टू भी लगा सकते हैं, पर एनीवेज वो सेकेंडरी मैटर है। ग्रह दोष की यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है उसे शांत करने के लिए लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियाँ एक मिट्टी के पात्र में रखकर तुलसी के पास रख दीजिए। लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ मिट्टी के पात्र में रखकर तुलसी पर रख दीजिए और ये सभी ग्रह दोषों को शांत करेगा। आसान सा उपाय ये भी आप कर सकते हैं। और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपके हर चीज़ का तोड़ ही है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज़ कीजिए। माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करने से आपके ऐसे ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट शिवागो.com या ओमजा.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।